जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वन जारी, यमुना तीर वन जारी, यमुना तीर वन जारी, यमुना तीर वन जारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद गोविंद गोविंद गोपाल गाइए प्रेम से गाइए गोपाल नंद लाल 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 गोपाल नंद गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल भाव से गाइए प्रेम से गाइए गोपाल नंद लाल गोपाल नंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी लोग गाइए बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नाम महा
धन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महा धन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्रीराधिकारानी, 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 अपनी ठकुरानी श्रीराधिकारानी। हौ राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय गौरनिता, गौरनिता जय गौरनिता, गौरनिता जय गौरनिता, गौरनिता जय गौरनिता, प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आराध्यो मे
भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रज बधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। गत सत्र में श्री वेदव्यास मुनि नहीं बढ़ाइए बता रहे राधे हरे कृष्ण। श्री वेदव्यास मुनि कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए वेद और शास्त्रों को लिपिबद्ध कर रहे हैं। द्वापर युग तक यह वेद यह शास्त्र मात्र स्मृति में थे, परंतु कलयुग में लोगों की स्मृति शक्ति कम होने के कारण वेदव्यास जी अब उन स्मृति में रहे शास्त्रों को लिख रहे हैं, लिपिबद्ध कर रहे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने चार वेद लिखे, 108 उपनिषद लिखे, 100,000 श्लोक रचित महाभारत भी उन्होंने लिख दिया। इतना ही नहीं, कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए वेदव्यास मुनि पुराणों की रचना करने लगे। गत सत्र में आपने श्रवण किया, वेदव्यास मुनि ने 17 पुराण लिखे, परंतु ये 17 पुराण लिखने के बाद भी उनका मन खिन्न रहा। वेदव्यास जी का मन संतुष्ट नहीं हो पाया। वेदव्यास जी मन में चिंतन कर रहे हैं, कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए मैंने इतने इतने ग्रंथ लिखे, परंतु इन ग्रंथों को लिखकर जब मेरा मन संतुष्ट नहीं है, इन ग्रंथों को लिखकर जब मेरा ही कल्याण नहीं हो रहा है, तो कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है। साक्षात भगवान है, भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, परंतु वेदव्यास मुनि नहीं समझ पाए कि मेरे द्वारा की गई इन रचनाओं में, इन ग्रंथों में क्या कमी है, इन ग्रंथों में क्या घट रहा है। वेदव्यास मुनि नहीं समझ पाए। भक्तों, इस संसार में
कितना भी अच्छा डॉक्टर हो परंतु अपना इलाज स्वयं नहीं कर पाता है। वेदव्यास जी साक्षात भगवान के शक्त्याविश अवतार हैं, परंतु नहीं समझ पाए कि अपनी इन रचनाओं में क्या कमी है। एक दिन की बात, श्री वेदव्यास मुनि बद्रीनाथ धाम में उपस्थित थे और मंदाकिनी की पवित्र धारा में स्नान करके वहां पर बैठे थे। मन में चिंतन था, मन में एक बहुत बड़ी ग्लानी हो रही थी कि मेरी इन रचनाओं में क्या कमी है। उसी समय वेदव्यास मुनि के गुरु श्री नारद मुनि वहां पर उपस्थित हो गए। भगवान के मनोवतार श्री नारद जी वहां पर आए और अपने गुरु नारद जी को देखकर वेदव्यास मुनि उनके चरणों में गिर गए। जैसे बहुत दिनों से रोगों से ग्रस्त एक रोगी किसी डॉक्टर को देखकर अपना हाथ डॉक्टर के हाथ में सौंप देता है, वैसे वेदव्यास मुनि नारद मुनि के चरणों में गिर गए। नारद मुनि ने कहा, वेदव्यास जी आप कैसे हो, सब कुछ कुशल मंगल ठीक तो है ना? परंतु वेदव्यास जी कहने लगे, गुरुदेव मैं नहीं जानता हूं मैं कैसा हूं। इस दुनिया में आप किसी को पूछे हाउ आर यू, तुरंत कहेंगे फाइन, भालो। परंतु जो तत्वज्ञानी होते हैं वे गुरुदेव से जिज्ञासा करते हैं, गुरुदेव आप बताइए मैं कैसा हूं। के आमी केने आमार जार तापत्रय। नारद मुनि ने कहा, गुरुदेव आप ही बताइए मैं कैसा हूं। गुरुदेव मैंने कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए इतने ग्रंथ लिखे, इतने पुराण लिखे, परंतु फिर भी मन में शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, मन में ग्लानी सी हो रही है, असंतुष्टि हो रही है, बताइए मेरी इन रचनाओं में क्या कमी है। उस समय अवसर पाकर नारद मुनि ने वेदव्यास मुनि को डांटते हुए कहा, क्योंकि गुरु जी थे और गुरु का कर्तव्य होता है कि समय आने पर अपने शिष्य को डांटे। आजकल के गुरु तो मात्र धन के लोभ में अपने शिष्यों की मात्र प्रशंसा करते हैं, परंतु सच्चा गुरु वो है जो अपने शिष्य को सत मार्ग पर चलाए, और शिष्य यदि गलत मार्ग पर जा रहा हो तो उसे डांट कर उसे सत मार्ग पर लेकर आए। और वास्तव में गुरु की कृपा तब मिलती है जब गुरु हमें डांटते हैं। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े को। कबीरदास जी ने कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु जो होते हैं वह कुम्हार जैसे, कुम्हार जानते हैं मिट्टी के जो पात्र बनाते हैं ना, मिट्टी के मटके बनाते हैं, उसे कुम्हार कहा जाता है हिंदी में। बोले गुरु कुम्हार जैसे होते हैं और शिष्य कुंभ जैसा होता है। कुम्हार जो होता है उस कुंभ के ऊपर बहुत मारता है, बहुत पीटता है, परंतु वह कुम्हार बाहर से तो उस घड़े को मारता है लेकिन अंदर से अपना हाथ सवारते रहता है, क्योंकि वह कुम्हार चाहता है यह घड़ा बहुत सुंदर तरीके से बने। ऐसे कभी कभी गुरु अपने शिष्य को डांटते हैं उनका उद्धार करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए। आज नारद मुनि वेदव्यास मुनि को डांट रहे हैं,
कि हे वेदव्यास जी, आप ये जानना चाहते हो कि इतने इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी आप असंतुष्ट क्यों हो। इसका यही कारण है कि आपको इस ग्रंथ में जो लिखना चाहिए था वह तो लिखा ही नहीं। आपने अपने ग्रंथों में आत्म तत्व, परमात्म तत्व की बहुत बहुत बातें लिखी हैं, परंतु न यद वचश्चित्र परम हरेर पदो जगत पवित्रम प्रगणित कर ही चित। इस संसार में केवल इस जगत को ही नहीं, तीनों लोकों को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति, तीनों भुवन को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्ण की कथा जिस ग्रंथ में नहीं होती है, उस ग्रंथ को महात्मा गण कौवे का तीर्थ मानते हैं। यत वायसम तीर्थ, महात्मा गण उस ग्रंथ को स्वीकार नहीं करते। और जिस ग्रंथ में भले कितनी भी त्रुटियां हो, जिस ग्रंथ में अलंकार न हो, व्याकरण न हो, छंद न हो, अनेकों प्रकार की त्रुटि हो, परंतु उस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन हुआ है, तो बड़े बड़े संत महात्मा उन ग्रंथों को पढ़ते हैं और अपने जीवन का उद्धार करते हैं। इसलिए वेदव्यास मुनि, यदि आपको अपना उद्धार करना है और कलयुग के जीवों का उद्धार करना है, तो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध विशुद्ध लीला रचित ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे, तब तक न तो आपका उद्धार हो सकता है, न कलयुग की जनता का उद्धार हो सकता है। इसलिए आप भागवत की रचना कीजिए। नारद मुनि, आप ये जानना चाहते हो, वेदव्यास मुनि, आप ये जानना चाहते हो कि आपके हृदय में कष्ट क्यों हो रहा है, मन खिन्न क्यों है। आपने अब तक जितने भी ग्रंथ लिखे, उन सारे ग्रंथों में लौकिक धर्म का वर्णन किया है, आपने अलौकिक धर्म का वर्णन नहीं किया। आपने इन सभी ग्रंथों में मात्र इस देह के, इस शरीर के धर्म का वर्णन किया है, आपने आत्मा के धर्म का वर्णन नहीं किया है। इसलिए जब तक आत्मा के धर्म का वर्णन नहीं करोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। और लौकिक धर्म का वर्णन करने के कारण आपने जितने भी ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों में कपट किया है। भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास मुनि ने स्वीकार किया है कि इस भागवत के पहले उन्होंने जितने भी पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, उन पुराणों में उन्होंने कपट किया। लेकिन भागवत में किसी भी प्रकार का कपट नहीं। धर्म प्रोजित केत वोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। ये भागवत जो है कपट धर्म से मुक्त है। लेकिन 17 पुराण वेदव्यास मुनि ने लिखे, उनमें उन्होंने कपट किया है। कपट किस बात का किया? उन्होंने शिव पुराण लिखा तो वेदव्यास मुनि ने शिव पुराण में मात्र शिव जी की ही महिमा बताई। और इतना ही नहीं, अतिशयोक्ति करते हुए उन्होंने शिव जी को ही भगवान प्रस्तुत कर दिया। शिव जी ही परमात्मा है, शिव जी ही संसार का सृजन करते हैं, शिव जी ही सब कुछ। इतना ही नहीं, गणेश पुराण का वर्णन किया तो गणेश को ही भगवान कह दिया। गणेश ही सब कुछ है, गणेश ही परमात्मा है, गणेश ही अंदर बाहर सब जगह पर रहते हैं। इतना ही नहीं, आपने देवी भागवत, देवी पुराण लिखा तो देवी को ही सब कुछ बता दिया। देवी ही भगवान है, दुर्गा देवी ही सब कुछ है। वेदव्यास मुनि, कलयुग के लोग आपके इन पुराणों को पढ़ेंगे और जब आपस में मिलेंगे तो झगड़े के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। मात्र कलह होगा, झगड़ा होगा आपके इन पुराणों के कारण। और कलयुग के झगड़े का दोष आज आपके मस्तक पर आया है।
परंतु अभी भी आपके पास समय है। यदि कोई व्यक्ति पत्र लिख रहा हो या कुछ भी लिख रहा हो, परंतु जब तक वो लिख रहा है समाप्त करने से पहले अपनी गलती को सुधार सकता है। जैसे कि मैं कहूं कि रमेश नाम का लड़का जो है बहुत बुरा है, आप उनके साथ रहना मत, उनके साथ आप बात भी मत करना, उनका स्वभाव बहुत ठीक नहीं है, और अंत में मैं कह दूं नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, अंतिम की जो एक लाइन है आगे के पूरे चरित्र को ढक देती है। वेदव्यास मुनि ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत पुराण लिखे, लेकिन नारद मुनि ने कहा अभी भी आपके पास समय है, आप भागवत की रचना कीजिए और भागवत में किसी भी प्रकार का कपट मत कीजिए। और भागवत में आत्मा के धर्म का वर्णन कीजिए, तब जाकर आप भी प्रसन्न होंगे और कलयुग की जनता भी प्रसन्न हो जाएगी। जब इस प्रकार नारद मुनि ने उपदेश दिया, इतना ही नहीं नारद मुनि ने यहां तक कह दिया, वेदव्यास जी मैं आपको किसका दृष्टांत दूं, आप मेरा दृष्टांत ले लीजिए। नारद मुनि अपनी कथा सुना रहे हैं, मेरा प्रथम जन्म ब्रह्मा जी के गोद से हुआ था, और जन्म होते ही मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे कहा तुम शादी करो, लेकिन मैंने कह दिया मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने से मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया और मेरा दूसरा जन्म उपबरहण नाम का देवता बन गया। उस देवता के शरीर में एक दिन पुष्कर क्षेत्र में जाकर मैंने ब्रह्मा जी का अपराध किया, और अपराध करने से ब्रह्मा जी ने पुनः मुझे श्राप दिया कि तुमने शूद्र जैसा काम किया है, तुम्हारा जन्म शूद्र योनि में हो जाए। तब नारद जी कहते हैं मेरा तीसरा जन्म शूद्र परिवार में हुआ, पिता का नाम द्रुमिल गोप और माता का नाम कलावती। जन्म से ही पिता की मृत्यु हो गई और मेरी मां गांव में लोगों के घर पर काम करके हमारा जीवन व्यापन कर रही थी, लेकिन हमारा सौभाग्य चतुर्मास का समय था और इन दोनों बड़े बड़े महात्मा साधु संत हमारे गांव में आए और उनकी सेवा करने का अवसर मेरी मां को मिला। नारद जी कहते हैं वेदव्यास मुनि को कि जब मेरी मां उन साधुओं की सेवा करती थी, उनका भोजन बनाती थी, उस समय मैं साधुओं के बीच में बैठता था और उन साधुओं के बीच में बैठकर उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय उन साधुओं के मुख से भागवत कथा सुन सुनकर आज मैं नारद का रूप प्राप्त कर लिया। जहां चाहूं वहां, जब चाहूं तब मैं इस सदेह शरीर से जा सकता हूं, न तो टिकट की आवश्यकता है, न फ्लाइट की आवश्यकता है, न वीजा, न पासपोर्ट। ये कृष्ण कथा का प्रभाव है, इसलिए वेदव्यास मुनि आप कृष्ण कथा रचित भागवत की रचना कीजिए। नारद मुनि ने वेदव्यास जी को उपदेश दिया और वहां से चले गए। जब वेदव्यास मुनि चले गए तो नैमिषारण्य में शौनक ऋषि ने सुद गोस्वामी को पूछा, निर्गते नारद सुत भगवान बादरायण श्रुतवान तत् अभिप्रेत किम तत् अकरोद विभो। शौनक जी पूछते हैं कि नारद जी के चले जाने के बाद वेदव्यास मुनि ने क्या किया। भक्तों आज ये पूछने की जरूरत है, क्योंकि आज गुरुदेव जो उपदेश देते हैं शिष्य उसका पूरा पूरा पालन नहीं करते, इसलिए पूछना पड़ता है। नहीं तो सिद्धांत तो यह है कि गुरुदेव का वाक्य, गुरुदेव के उपदेश हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, परंतु
धीरे धीरे कलयुग बढ़ रहा है और कलयुग के प्रभाव से गुरुदेव जो उपदेश देते हैं उसका पालन पूर्ण रूप से शिष्य नहीं कर पाते हैं, यहां तक ठीक से गुरुदेव की सेवा भी नहीं कर पाते हैं। हमारे भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध कथा है, एक बार ऐसे ही एक गुरु थे और कलयुग का चेला गुरुदेव के पास आया। गुरुजी ने कहा, लगभग शाम को 5 बजे थे, गुरुजी ने कहा मेरे चरण दबा दो। तो वह चेला गुरुजी के चरण दबा रहा था लेकिन उसमें कोई भाव रस नहीं आ रहा था। मन में हो रहा था कि कब ये सो जाए और मैं यहां से घर पर चला जाऊं। तो चरण दबाते दबाते 1 घंटे के बाद शाम को 6 बजे गुरुदेव की आंखें बंद हुई। चेले को लगा गुरुदेव सो गए हैं, तो धीरे से छोड़कर जा रहे थे, तब तक गुरुजी की आंख खुल गई और गुरुजी कहने लगे, अच्छा बताओ तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं, तुम लोग कितने भाई हो। उसने कहा, गुरुदेव हम लोग 4 भाई हैं। इतना कह के फिर से चरण दबाने लगा। दबाते दबाते शाम को 8 बज गए, गुरुजी की आंखें लग गई और जैसे ही वो चरण छोड़कर दूर जाने लगा फिर से गुरुजी की आंख खुल गई और कहा, बताओ कितने भाई थे आप, मैं भूल गया। बोले हम लोग 4 भाई हैं। फिर से चरण दबाने लगे। रात को 10 बजे चरण दबाते दबाते रात के 10 बज गए, गुरुजी की आंख बंद हुई। अब तो इसको कंफर्म हुआ कि अब तो सो गए हैं। जैसे ही चलने लगा गुरुदेव जी की आंखें खोली, अच्छा बताओ कितने भाई थे आप। बोले गुरुजी 4 भाई थे। इतना कह के चरण दबाने लगा। चरण दबाते दबाते रात को 12-1 बज गए और अब तो गुरुदेव की आंखें बंद हो गई। अब गुरुदेव सो गए, ये खड़े होकर जाने लगा, गुरुजी की आंखें खुल गई, अच्छा बताओ आप कितने भाई हो। अब ये तो बिल्कुल झुंझला गया। बोले हम लोग 3 भाई हैं, आपको कोई मतलब। गुरुजी ने कहा, 5 बजे तो आपके 4 भाई थे और अभी आप कह रहे हो कि 3 भाई हैं। बोले 4 थे, मुझे नहीं लगता है कि अब 4 रहेंगे क्योंकि आप मुझे यहां से जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तो आप मुझे सेवा करा के मार डालोगे। आप मुझे यहां से जिंदा छोड़ोगे तब 4 बचेंगे ना, मुझे नहीं लगता है आप मुझे जीवित छोड़ोगे। तो कलयुग के चेलों की यह स्थिति है। इसलिए शौनक जी ने पूछा कि गुरु नारद मुनि जब उपदेश देकर चले गए तब वेदव्यास मुनि ने क्या किया। तब सुद गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे शम्या प्रास इति प्रोक्तम ऋषीणाम सत्रवर्धनम। वेदव्यास जी ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम बहुत सुंदर बद्री का आश्रम में बद्रीनाथ धाम में रहते थे और उनके घर का उनके आश्रम का नाम था शम्याप्राश। और वहां से 2 नदी निकलती हैं, एक गंगा की धारा और एक गुप्त रूप से सरस्वती नदी की धारा बहती है। नारद जी के चले जाने के बाद वेदव्यास मुनि ने अपने सभी शिष्यों को वापस भेज दिया। वेदव्यास जी एकांत में बैठे, बहुत सुंदर आसन ग्रहण किया, आचमन किए और आचमन करके एक स्थान में बैठकर अपने मन को वश में कर लिया। प्रश्न हो सकता है, इस दुनिया में मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। वेदव्यास मुनि ने अपने मन को तुरंत वश में कर लिया। किस प्रकार? आज लोग अपने मन को वश में करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, अनेकों साधन करते हैं, लेकिन मन को वश में करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। भक्ति योगेन मनसी
सम्यक प्रणी हिते मले अपश्यम पुरुषम पूर्ण माया च तदपाश्रयम। कहते हैं भक्ति योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा श्री वेदव्यास मुनि ने अपने मन को अपने वश में कर लिया। बहुत सुंदर पवित्र बद्रीनाथ धाम में अपने आश्रम में एकांत में बैठे हैं, आसन के ऊपर विराजमान हैं, आंखें बंद हैं और मन पूर्ण रूप से अपने वश में हो चुका है। और उस समय वेदव्यास मुनि ने अपने अंतःकरण में परम पुरुषम साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन किया। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, और केवल कृष्ण ही नहीं, कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी का दर्शन किया। वेदव्यास मुनि ने अपने हृदय में अपने अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। और कृष्ण का दर्शन करने के बाद इस संसार की बहिरंगा शक्ति माया का दर्शन किया। अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम, साथ ही साथ जगत की माया का दर्शन किया। वेदव्यास जी ने यह भी देखा कि संसार के लोग किस प्रकार से माया के कारण दुखी हो रहे हैं, कलयुग के लोग इन माया के कारण किस प्रकार से दुखी होंगे, ये सारा दर्शन वेदव्यास जी ने किया। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्तम तत्कृतं चापि पद्यते। किस प्रकार से भगवान की बहिरंगा शक्ति माया जगत के जीव को तड़पा तड़पा कर मारती है, वेदव्यास जी ने समाधि में बैठकर इन माया का दर्शन किया। कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, राज दंड येन येन नदी ते छुबाए। ये भगवान की माया संसार के जीव को कभी स्वर्ग में ले जाती है तो कभी नरक में ले जाती है। पूर्व के राजा महाराजा जैसे अपराधियों को दंड देते थे वैसे तड़पा तड़पा कर मारती है। पहले के राजा महाराजा जब कोई अपराधी उनके हाथ में आ जाता तो उनको दंड दिया जाता था, बीच नदी में ले जाकर उनके बाल पकड़कर उसको नदी में डुबाया जाता था। वो अपराधी छटपटाने लगता था, मुझे बचाओ, बाहर निकालो, बाहर निकालो। और जब उनकी अंतिम सांस बचती थी तब जाकर उसे बाहर निकाला जाता था। वो दो तीन चैन की सांस लेता था, फिर से उसे नदी में डुबाया जाता था। ऐसे बार बार उसे नदी में डुबा डुबा कर उसे तड़पाया जाता था। संसार की माया उसी प्रकार संसार के सभी जीव को तड़पा तड़पा कर मार रही है। भक्तों, इस संसार में दुख जो है धीरे धीरे करके, एक साथ दुख आ जाए और सीधे मर जाए तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये माया जो है धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारती है। वेदव्यास जी ने देखा किस प्रकार से संसार के लोग इस माया के कारण पूर्ण रूप से दुखी हैं और जगत के लोग इस माया से कैसे मुक्त हो। भक्तों, लोग यह तो जानते हैं कि मैं दुखी हूं, लेकिन दुखी होने का कारण क्या है ये कोई नहीं जानता है। अब जब दुखी होने का कारण ही नहीं जानते हैं तब दुखों से मुक्त कैसे हो सकते हैं। वेदव्यास मुनि समाधि में बैठे थे, भगवान को देखा, भगवान की माया को देखा और माया को देखकर संसार के जीव को दुखी होते देखा। और वेदव्यास जी ने समाधि में यह भी देखा कि संसार के जीव को कैसे सुखी किया जा सकता है, इस माया से संसार के जीव को कैसे मुक्त किया जा सकता है। वेदव्यास जी को इनका उपाय मिल गया। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षज लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। संसार के जीव को माया से मुक्त करने के लिए, इस अनर्थ से मुक्त करने के लिए मात्र एक ही उपाय है और वो है भगवान की भक्ति। और भक्ति का अर्थ है श्रवण और कीर्तन। और ये श्रवण तब तक नहीं हो सकता है जब तक भागवत की रचना न हो।
संसार के जीव को माया से मुक्त करने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए, सुखी बनाने के लिए और मरने के बाद वैकुंठ धाम प्राप्त कराने के लिए लोकस्य जानो तो विद्वान चक्रे सात्वत संगीताम श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत की रचना करने का निर्णय कर लिया, भागवत की रचना करने के लिए सोच लिया। और उसी समय वेदव्यास जी समाधि में बैठे थे और भागवत को लिपिबद्ध करने लगे, भागवत समाधि में बैठकर भागवत के श्लोकों का उच्चारण करने लगे। वेदव्यास मुनि भागवत के इन श्लोकों को बोलते गए और उसी समय गजानन गणपति महाराज बैठे थे और अपनी कलम से इस भागवत को लिखने लगे। वेदव्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए और लिखते लिखते 12 स्कंद 18,000 श्लोक 375 अध्याय 1,270 उवाच और 5,76,000 शब्द रचित वेदव्यास मुनि ने समाधि में बैठकर ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। श्रीमद् भागवतम महापुराण की। भक्तों, ये भागवत जो है वेदव्यास मुनि ने समाधि में बैठकर लिखा है। इसका अर्थ क्या है? ये भागवत वेदव्यास मुनि के समाधि की भाषा है। ये भागवत समाधि में बैठकर लिखा गया है। इसका अर्थ है कि आज भी यदि कोई इस भागवत को पढ़ता है या सुनता है तो सुनने वाला भी समाधि में चला जाता है। भागवत को सुनना ही एक समाधि है। और इतना ही नहीं, भागवत की रचना करने के बाद श्री सूत गोस्वामी ने ऐलान किया, यस्याम वैश्रुयमानाना कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहर। वेदव्यास मुनि ने भागवत की रचना कर दी और इस भागवत की रचना करने के बाद सूत गोस्वामी कहते हैं, यस्याम वे श्रूयमाणा नाम, इस भागवत को यदि कोई व्यक्ति सुन लेता है, यदि कोई व्यक्ति इस भागवत को सुनता है तो सुनने से सबसे पहले भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और इतना ही नहीं, शोक मोह भयापहा, भागवत को सुनने से जीवन का कितना भी शोक हो वे सारा शोक दूर हो जाता है, सारी चिंता दूर हो जाती है। और जीवन में जितना भी भय है, यहां तक मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है यदि हम इस भागवत का श्रवण करते हैं। तो ये भागवत इस संसार में समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए बनाया गया है। भागवत की रचना करने के बाद वेदव्यास जी लिखते हैं, किम श्रुते बहुरभिर शास्त्रे पुराणैश्च भ्रमावहै। जब भागवत जैसे इस दिव्य ग्रंथ की रचना हो गई तो अन्य पुराण पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भागवत सिंह की तरह गर्जना कर रहा है। जैसे जंगल में सिंह की गर्जना होती है जो छोटे मोटे पशु पक्षी वहां से भाग जाते हैं, वैसे ही जहां भागवत की गर्जना होती है तो हृदय से छोटे मोटे सारे पाप भाग जाते हैं और अंतःकरण शुद्ध बन जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। वेदव्यास मुनि ने भागवत की रचना की और यह भागवत वेदव्यास मुनि ने अपने शिष्य सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। सुखदेव गोस्वामी ने इस भागवत को आत्मसात किया और इस संसार में विचरण करने लगे। श्रीमद् भागवत
महात्माओं का ऐसा कहना है कि जहां पर महाभारत का अंत होता है वहां से भागवत का प्रारंभ होता है। महाभारत का अंत हुआ, 18 दिन तक कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध चला और 18वें दिन भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूट गई। यदा मृदय को रव सृंजयाना वीरेश्वथो वी रगतिं गतेषु वृकोदरावीद्व गदा भिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम, ये भागवत कथा का प्रथम श्लोक है। यहां से भागवत प्रारंभ होता है कि उस मृदे उस युद्ध में उस रणभूमि में कौरों के द्वारा पांडवों के द्वारा कौरों की सेना का विध्वंस हुआ और अंत में भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूट गई और दुर्योधन कुरुक्षेत्र की भूमि के बीचों बीच कराह रहा है, अपने जीवन की अंतिम घड़ी गिन रहा है। पांडवगण अपने अपने शिविर में जाकर सो गए हैं, अंधेरी रात है और उसी समय दुर्योधन की खबर लेने के लिए महाभारत के 3 वीर वहां पर आते हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। ये 3 जन वहां पर आते हैं और दुर्योधन को स्थिति में देखकर हृदय में दुख हो रहा है। सबसे ज्यादा दुख अश्वत्थामा को हुआ, बोले आज मेरे मित्र की यह स्थिति हो गई। भर्तुम प्रियम द्रोणी रितिम स्वपश्यन कृष्णा सुतानाम स्वपताम शिरांशी। शुद्ध गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि उस समय अश्वत्थामा अपने भर्तु अपने स्वामी दुर्योधन का प्रसन्न करने के लिए, अपने स्वामी दुर्योधन को प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा वहां से चला गया, पांडवों के शिविर में गया और उस समय पांडवगण सो रहे थे, सोए हुए पांडवों के मस्तक को काट दिया। सोए हुए पांडवों के मस्तक को काटकर उसे लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और कहने लगा, स्वामी मित्र दुर्योधन आप चिंता मत कीजिए। क्या हुआ? बोले मैं अभी अभी पांडवों के शिविर से जाकर आया और 5 पांडव के मस्तक काट कर आया। दुर्योधन ने कहा, असंभव, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अश्वत्थामा ने कहा, मैंने इन हाथों से पांडवों के मस्तक को काट कर आया। दुर्योधन ने कहा, हो नहीं सकता। अश्वत्थामा तुम पांडवों के मस्तक काटने गए तो सबसे पहले यह बताओ कि उस समय कृष्ण कहां थे? कृष्ण कहां थे? अश्वत्थामा ने कहा, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मैं जीते जी और कुछ तो नहीं समझ पाया, लेकिन इतना तो अवश्य समझ गया हूं कि जहां पर कृष्ण खड़े हैं वहां पर पांडवों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बताओ कृष्ण कहां थे? कृष्ण कहां थे? तब अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं जानता था तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा और इसीलिए 5 पांडवों के मस्तक मैं यहां लेकर आया हूं। तब दुर्योधन ने कहा, तो उस पांडवों के मस्तक को मेरे हाथ में रखो, क्योंकि उसमें जो भीम का मस्तक होगा मैं पहचान लूंगा, क्योंकि वो वज्र से भी कठोर होगा। उस समय अश्वत्थामा ने एक एक करके 5 मस्तक दुर्योधन के हाथ में रखे, लेकिन वो मस्तक हाथ में लेते ही पच 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 करके फूट गए, 5 मस्तक फूट गए। उस समय दुर्योधन को पता चला
कि ये पांच पांडवों के मस्तक नहीं, ये तो पांडवों के नन्हे नन्हे बालकों के मस्तक है, पांडवों के पुत्र के मस्तक है। किसी ऋषि मुनि के द्वारा ये दुर्योधन को श्राप था कि जब उनके जीवन में हर्ष और शोक दोनों एक साथ होगा तब उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडवों का मस्तक लेकर आया हूं यह सुनकर दुर्योधन को हर्ष हुआ, और ये पांडवों के नहीं, पांडवों के अंतिम वंशधर इस कुरुवंश को चलाने वाले छोटे छोटे बालकों के मस्तक हैं। ये सुनकर दुर्योधन को शोक हुआ, हर्ष शोक दोनों एक साथ होने के कारण दुर्योधन की मृत्यु हो गई, दुर्योधन की मृत्यु हुई। और दूसरी ओर सुबह उठकर द्रौपदी अपने पांच पांच बालकों को जब जगाने जा रही है और बालकों के मस्तक से जब चद्दर हटाई, तब द्रौपदी ने यह भयंकर दृश्य देखा कि उनके पांचों बालकों के मस्तक कटे हुए हैं। द्रौपदी के हृदय में कष्ट हुआ, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुराष्प कलाकुलाक्षी तम सांत्वयन्ना कीरीटमा। माता शिशूना निधनम सुताना, अपने बालकों के मस्तक को कटे हुए देखकर आप कल्पना कर सकते हैं उस द्रौपदी को कितना कष्ट हुआ होगा। भक्तों, नन्हे नन्हे बालक होते हैं, गिर जाते हैं, उन्हें खरोच आ जाती है, तब बालक को जितना कष्ट नहीं होता है उससे ज्यादा उनकी मां को कष्ट होता है। और जिस मां के पांच पांच बालक मर गए हैं, मस्तक कट गए हैं, उस मां को कितना कष्ट हुआ होगा। द्रौपदी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, रोने लगी, चिल्लाने लगी, और द्रौपदी के रोते ही पांचों पांडव वहां पर आ गए। द्रौपदी को शांत करते हुए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, प्रिय तुम चिंता मत करो, जिस किसी ने भी तुम्हारे इन शिशुओं को मारा है आज संध्या तक उस आतताई उस हत्यारे को तुम्हारे चरणों में न सौंप दूं तो मैं अर्जुन मेरे ही गांडीव से आत्महत्या करके मर जाऊं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, और प्रिय आज तुम्हारे पुत्र के हत्यारे के मस्तक के ऊपर पांव देकर तुम अपने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया करोगी, ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। तुरंत अर्जुन ने कृष्ण को इशारा किया, भगवान कृष्ण ने रथ बाहर निकाला, कृष्ण अर्जुन दोनों रथ के ऊपर सवार हुए, अश्वत्थामा का पीछा करने लगे, अश्वत्थामा अपने रथ पर सवार होकर दौड़ने लगा, अश्वत्थामा का रथ आगे आगे, कृष्ण का रथ पीछे पीछे, वे रथ को बहुत दौड़ाया, वह घोड़े दौड़ दौड़ कर थक गए। तब अश्वत्थामा उस रथ से उतर गया, अर्जुन भी रथ से उतर गए और अश्वत्थामा का पीछा करने लगे, और जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने लगे तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान कर दिया, भयंकर अग्नि प्रकट हो गई, अंधेरा छा गया, आपात काल में वज्रपात होने लगा, काला काला धुआं उठने लगा। अर्जुन के समझ में कुछ नहीं आया, ये क्या हो रहा है। अर्जुन तुरंत कृष्ण के पास गए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर तुम एक दैय माना नाम अपवर गोसी संस्रिते, हे कृष्ण ये क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया है, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता है लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाना नहीं जानता, इसलिए अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का सम्मान करो।
और फिर एक साथ दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस खींच लो। कृष्ण ने जैसा कहा अर्जुन ने वैसा ही किया और दोनों ब्रह्मास्त्र को जो वापस खींच लिया, पुनः अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और अश्वत्थामा का पीछा करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़कर पशुवत पाश बंधम, जैसे किसी पशु को रस्सी के बंधन में बांध दिया जाता है, वैसे अश्वत्थामा को रस्सी से बांध दिया और उसे लाकर द्रौपदी के चरणों में सौंप दिया। अर्जुन ने द्रौपदी के हाथ में तलवार थमा दी, द्रौपदी ये पांच पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे चरणों में है, इसका मस्तक काट दो। यदि आज की नारी होती तो तुरंत मस्तक काट दी होती या कटवा दी होती, लेकिन धन्य है द्रौपदी, धन्य है द्रौपदी। भक्तों, इस प्रसंग में द्रौपदी का गुण प्रकट हुआ है। इस प्रसंग में द्रौपदी की भक्ति प्रकट हुई है। इस दुनिया में मनुष्य में अनेकों गुण है, लेकिन मनुष्य में सबसे बड़ा गुण कौन सा है? यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को 100 प्रश्न पूछे थे, उनमें से एक प्रश्न था कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था, किसी को क्षमा कर देना यह मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, अपराधी को क्षमा कर देना यह सबसे बड़ा गुण है। भक्तों, आज हम लोग छोटी छोटी बातों में लोगों को दंड देते हैं, छोटी छोटी बातों में लोगों को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। यदि किसी आदमी ने हमको गाली दे दी तो जीवन भर तक याद रखते हैं कि एक ना एक दिन ये ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। इंग्लिश में कहावत कहते ना, एवरी डॉग हैज वन डे, हर कुत्ते का दिन आता है। तो इस दुनिया में हम क्षमा नहीं करते हैं, थोड़ी सी किसी से गलती हो गई तो उसे दंड देते हैं। परंतु भक्तों, क्षमा करना यह बहुत बड़ा गुण है। हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं ना, ये पृथ्वी हमारी मां है और मां का गुण अपने बच्चों में होना चाहिए। ये पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। ये पृथ्वी बताइए हमें क्या नहीं देती है? ये पृथ्वी हमें जल देती है, ये पृथ्वी हमें वस्त्र देती है, ये पृथ्वी हमें भोजन देती है, ये पृथ्वी हमें बिल्डिंग देती है, खाना पीना रहना सब कुछ पृथ्वी देती है, और इसी पृथ्वी के ऊपर हम थूकते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और थूकते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी हमें क्षमा कर देती है। इसलिए भगवान इस पृथ्वी के ऊपर प्रसन्न है। इसलिए तो भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी को अपना गुरु बना लिया। द्रौपदी के पांच पांच पुत्र मर चुके हैं, उनका हत्यारा उनके सामने है, हाथ में तलवार है, लेकिन फिर भी आज द्रौपदी कह रही है कि हम इसे नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, इसे क्षमा कर दी। भक्तों, इस दुनिया में क्षमा करने वाला बड़ा माना जाता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध है। 50 साल का बूढ़ा यदि कोई गलती करता है और 5 साल का बालक उसे क्षमा कर देता है तो 5 साल का बालक 50 साल के बूढ़े से महान है, कोटि गुना महान, क्योंकि उन्होंने क्षमा किया, क्षमा प्रदान किया। इस संसार में हमें क्षमा करना चाहिए, दूसरों की गलती को माफ कर देना चाहिए। जो दूसरों की गलती को माफ करना सीख जाता है वो इस दुनिया में महान बन जाता है, दिव्य बन जाता है। द्रौपदी ने कहा हम इसे नहीं मारेंगे, अर्जुन ने कहा मारो, इन्होंने हमारे पुत्रों को मारा है, बोले नहीं मारेंगे, क्योंकि मैं इसे मार डालूंगी तो इनकी मां बिना पुत्र वाली हो जाएगी, और पुत्र के मरने का क्या दुख होता है ये मैं जानती हूं, इसे मैं मार दूंगी तो इनकी मां को दुख होगा। और पतिदेव
ये आपके गुरु का पुत्र है। आत्मा जायते पुत्र, गुरु के जाने के बाद उनका पुत्र ही गुरुत्व प्रदान करता है। आप इसे मत मारिए। द्रौपदी ने कहा मत मारिए, अर्जुन ने कहा मार डालो। युधिष्ठिर नकुल सहदेव आए कहने लगे मत मारो, तब तक तो भीम आए बोले मार डालो। अब पांडवों के बीच में ही दो पक्ष हो गया, एक पक्ष कहने लगा मार दो और एक पक्ष कहने लगा छोड़ दो। ये पांडव लोग आपस में ही झगड़ा करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण आए, बस ये क्या लगा रखा है मार दो छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने एक नीति सुनाई, ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा अर्जुन ध्यान से सुनो तुम्हें क्या करना है। ब्रह्म बंधो न हन्तव्य आतताई वधारहण। अर्जुन ब्रह्म बंधो न हन्तव्य, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए और आतताई को तुरंत मार देना चाहिए। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को तुरंत मार देना चाहिए। ये ब्राह्मण भी है और आतताई है, निर्णय तुम्हें लेना है। अर्जुन तो फंस गया है? पूर्ण रूप से अर्जुन को धर्म संकट में फंसा दिया है। क्या करें? लेकिन कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, भगवान अपने भक्त को बुद्धि देते हैं, ददामी बुद्धि योगम। अर्जुन ने बुद्धिमानी से काम लिया। शास्त्र में ऐसा वर्णन है किसी महान व्यक्ति का अपमान कर देना यह उनकी मृत्यु के बराबर है। महान व्यक्ति का अपमान उनकी मृत्यु के बराबर है, इसलिए अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और अपने ब्रह्म तेज के कारण अश्वत्थामा के मस्तक में रोचक मणि था उस मणि को निकाल दिया और अश्वत्थामा के बाल को कुछ यहां से काटा, कुछ यहां से बाल को काट के विचित्र बाल कर दिए और अश्वत्थामा को बिल्कुल लज्जित कर दिया, अपमानित कर दिया। खैर आज यदि ऐसे बाल काट रहे होते तो एक नई स्टाइल बन जाती, क्योंकि आज तो बालों की स्टाइल ऐसी स्टाइल है भक्तों है। यहां तो फिर भी मैं ठीक देख रहा हूं, हमारे मुंबई में आइए कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सी स्टाइल। परंतु उन दिनों उस समय ऐसे बालों को लोग अपमान समझते थे। रोचक मणि निकाल दिया, बाल बिगाड़ दिया, अश्वत्थामा को छोड़ दिया, अश्वत्थामा चला गया। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के द्वारा तीन अश्वमेघ यज्ञ कराए। युद्ध भूमि में जितने भी लोग मारे गए थे उन सब लोगों का तर्पण कराया, क्योंकि युद्ध आपस में हुआ था। और इतना ही नहीं, ऐसी कथा भी आती है जब गंगा के तट पर जाकर पांडवगण अपने अपने स्वजनों का तर्पण कर रहे थे, उस समय देवी कुंती ने युधिष्ठिर महाराज को बुलाया और कहा युधिष्ठिर बेटा तुम कर्ण के लिए भी तर्पण करो। युधिष्ठिर ने कहा मां उसके लिए क्यों करूं, हम तो हमारे परिवार के लिए यहां पर तर्पण करने आए हैं, कर्ण हमारा कौन लगता है। उस समय देवी कुंती ने कहा बेटा युधिष्ठिर कर्ण और कोई नहीं, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, कर्ण मेरा पुत्र था। युधिष्ठिर महाराज रोने लगे, बोले मां इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छिपा कर रखी, यदि पहले बताया होता तो हम उनके साथ युद्ध कभी न करते। मां इतनी बड़ी बात तेरे पेट में कैसे रह पाई। उस दिन से युधिष्ठिर महाराज ने पूरे स्त्री समाज को श्राप दे दिया कि आज के बाद स्त्री के पेट में कोई बात नहीं टिकेगी। अरे सत्य है, पुरुष के पेट में भले थोड़ी बहुत बात टिक जाए लेकिन माताओं।
वैसे बात बात में कहते हैं सखी, एक बात कहूं, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, बताना मत, करते करते 500 को बता देती। माताओं का स्वभाव चींटी के समान होता है, चींटी जानते ना, चींटी कभी अकेले नहीं होती, ग्रुप में चलती है। आपने कभी अपने घर में चींटियों को देखा है? कभी देखिए, चींटी जब चल रही हो और उसे शक्कर का डिब्बा मिल जाए और शक्कर, एक शक्कर लेकर आनंद से वे आती हैं और रास्ते में जो चींटी मिलती है ना उसे कहती है, चींटी बहन वहां पर शक्कर का डिब्बा है, तुम वहां से शक्कर लेना। माताओं का स्वभाव ऐसा ना कि सखी वहां पर बहुत अच्छी नई दुकान है, बहुत अच्छी साड़ी मिलती है, बहुत अच्छा ड्रेस मिलता है वहां पर, बहुत सस्ता मिलता है। ये चींटियों का स्वभाव स्त्रियों के स्वभाव से मिलता आता है। कुछ भी हो गया तो ग्रुप में चलती हैं, साथ में रहती हैं, शक्कर का डिब्बा मिल गया तो सबको वहां पर लेकर जाती है। और पुरुष का स्वभाव मकोड़े जैसा होता है, शक्कर का डिब्बा मिल गया तो उसमें अकेला बैठा होता है, वो ग्रुप में नहीं चलता है, उसमें अकेला राज करता है। खैर, युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दे दिया कि मां तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी, और सबका तर्पण किया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब मैं इस पांडवों को मदद करने के लिए, युद्ध के लिए यहां पर आया था, अब तो सब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, हस्तिनापुर में सब कुछ ठीक हो गया, और भगवान श्री कृष्ण को अपने घर की याद आ गई। भगवान कृष्ण का परिवार बहुत बड़ा था, कल आपने सुना, कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर आए, अनेकों वर्ष बीत गए थे, इसलिए अब कृष्ण को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। अब बताइए क्यों याद न आए? इस संसार में एक साधारण पत्नी और बच्चों को छोड़कर हम 5 या 10 दिन के लिए चले जाते हैं, जिसमें वास्तव में कोई प्रेम नहीं, मात्र स्वार्थ है, जब आपस में घर पर मिले तो झगड़े के अलावा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी 5-10 दिन दूर हो जाते हैं तो तुरंत फोन करते हैं, कैसे हो, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जब मात्र स्वार्थ का प्रेम है, कोई सच्चा प्रेम नहीं है, फिर भी इतनी याद, तो भगवान श्री कृष्ण का उनकी पत्नियों के साथ शुद्ध प्रेम था, विशुद्ध प्रेम था। कृष्ण को क्यों याद ना आया? भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका की याद आई, पांडवों से अनुमति ले ली कि अब मैं हस्तिनापुर जाना चाहता हूं। भगवान कृष्ण तैयार हुए, माता कुंती के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, देवी कुंती ने आशीर्वाद दिया, मंगलम भव, सुखी भव, कल्याणमस्तु, और इन सब से गले मिलकर भगवान कृष्ण उस दिव्य रथ पर सवार हो गए। कृष्ण रथ पर विराजमान है, उद्धव जी और सात्यकी जी भी रथ पर बैठे हैं, बस कृष्ण को आदेश देना बाकी है, रथ चलाइए। उसी समय एक घटना घटी, वो घटना क्या थी? अश्वत्थामा को जब लज्जित करके छोड़ दिया, तब अश्वत्थामा के हृदय में बहुत ईर्ष्या बढ़ रही थी, और उस ईर्ष्या की आग में अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर और 6ठा ब्रह्मास्त्र पांडवों के अंतिम वंशधर, पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाले अंतिम वंशधर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर, 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडव और 6ठा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के ऊपर छोड़ा। इस प्रकार अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, और जैसे उत्तरा ने देखा कि ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ की ओर आ रहा है, तो देवी उत्तरा दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण के पास गई,
कृष्ण रथ पर विराजमान है, अब रथ चलने की तैयारी में है और उतरा दौड़ते हुए गई, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम हे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण ने रथ पर बैठकर कहा, क्या हुआ? तब उत्तरा ने कहा, ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण ने मानो व्यंग करते हुए कहा कि उत्तरा, ये ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए तुम मेरे पास आ रही हो? अब मैं तो बांसुरी बजाने वाला छोटा सा ग्वाला हूं, तुम्हें यदि ब्रह्मास्त्र से रक्षा करनी है तो अपने पांडवों के पास जाओ। ये पांच पांच पांडव जो हैं, अभी अभी ताजे ताजे कुरुक्षेत्र की भूमि में विजय होकर आए, बिल्कुल एक्सपीरियंस वाले हैं। पांडवों के पास जाओ, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता हूं? तब देवी उत्तरा ने बहुत सुंदर बात बताई, कहती है, नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, आपकी बात मैं मानती हूं, ये पांडव गण पराक्रमी है, यदि पांडवों को कहा जाए कि आपको एक मिनट में हजारों लोगों को मारना है तो ये मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए को जीवित करने का काम तो एकमात्र आप ही कर सकते हो, इसलिए कृष्ण आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मरे हुए को जीवन दान एकमात्र आप दे सकते हो। भक्तों, इस दुनिया में हम रोज सुबह पेपर में पढ़ते हैं, समाचार में सुनते हैं, आज यहां पर इतने मर गए, आज आतंकवादियों ने इतने को मार डाला, आज एक्सीडेंट में इतने मर गए, इतने मर गए, लेकिन आज तक कभी हमने ऐसा सुना कि एक आदमी मर गया था, शमशान में लेकर जा रहे थे और उस मरे हुए आदमी को किसी ने जीवित कर दिया? कभी नहीं। यत्र मृत्यु परस्परम, इस दुनिया में लोग एक दूसरे को मार सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन मरे हुए को कोई जीवित नहीं कर सकता, मरे हुए को जीवित एकमात्र भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। और इतिहास खोलकर देख लीजिए, इतिहास में अनेकों ऐसी घटना है जहां पर भगवान कृष्ण ने मरे हुए लोगों को जीवित किया। कृष्ण जब गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने गए उज्जैन सांदीपुनि मुनि के आश्रम में, 64 दिन रहे और सारी विद्या ग्रहण कर ली। कृष्ण ने कहा, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? गुरुजी ने तो कुछ नहीं मांगा, गुरु माता ने कहा कि हमारा एक पुत्र था जो बहुत साल पहले मर गया, प्रभु आप हमारे मरे हुए पुत्र को वापस ला दीजिए। बताओ, हम लोग स्कूल में जाते हैं तो उसकी फीस देते हैं, यदि स्कूल में या ट्यूशन टीचर ने ऐसी फीस मांग ली कि मेरे मरे हुए बेटे को वापस ला दो, तो ऐसी कोई फीस दे सकता है? भगवान को कहा गया, मरे हुए पुत्र को लाइए। भगवान श्री कृष्ण आकाश पाताल में गए, कहीं नहीं मिला, तब यमराज के दरबार में गए, यमराज को कहा, यमराज, मेरे गुरु का पुत्र यहां पर आया है। बोले, हाँ प्रभु, वो हमारे पास। बोले, हमें वापस लौटा दो, हमें उसे लेकर जाना है। बोले, प्रभु, वैसे तो उसके कर्म में यहां पर रहना लिखा है, लेकिन क्योंकि आप उसे लेने के लिए आए हो, इसलिए मैं आपको प्रदान करता हूं। भगवान कृष्ण उस मरे हुए पुत्र को वापस लौटा दिए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अभय प्रदान करते हैं। द्वारिका में भी ब्राह्मण के पुत्र मर रहे थे तो कृष्ण ने उस पुत्र को वापस जीवित करा दिया। और इतना ही नहीं, समुद्र मंथन प्रसंग में तो भगवान श्री कृष्ण ने होलसेल में अनेकों लोगों को जीवित कर दिया। जब देवता और असुरगण मंदार पर्वत को लेकर उठाकर जा रहे थे और वो पर्वत गिरा और सारे देवता असुर उस पर्वत के नीचे चकनाचूर हो गए,
तब भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर आए और अपनी एक दृष्टि से वहां पर मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिए। भक्तों, ये कृष्ण की दृष्टि की शक्ति है। भगवान जिनके ऊपर देखते हैं तो बूढ़ा आदमी जवान बन जाता है, कृष्ण जिनके ऊपर देखे तो मरा हुआ आदमी भी जीवित हो जाता है। इसलिए भक्तों, हमें भगवान के पास जाना चाहिए और भगवान का बारंबार दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम इस जड़ आंखों से भगवान को देख न पाए। भले हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, लेकिन भगवान तो हमें देख सकते हैं, भगवान तो हमारे ऊपर दृष्टि कर सकते हैं। एक बार भी भगवान की हमारे ऊपर दृष्टि हो गई तो जीवन धन्य बन जाएगा, जीवन से दरिद्रता निकल जाएगी, जीवन से दुख निकल जाएगा। इसलिए भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान की दृष्टि आनी चाहिए। देवी उत्तरा ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए और जीवन दान प्रदान कीजिए। तब मानो भगवान श्री कृष्ण ने और एक प्रश्न पूछा, उत्तरा, यदि ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारी ओर आ रहा है और यदि ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें मार डाले तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे पति अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तुम्हारे पति अभिमन्यु इस दुनिया में रहे नहीं, यदि तुम मर भी जाती हो तो तुम्हें क्या अंतर पड़ता है। जीव बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। रामायण में देवी सीता कहती हैं कि जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं रहती है, जैसे प्राण के बिना यह देह कुछ काम का नहीं रहता है, वैसे पति के बिना पत्नी कुछ काम की नहीं रहती है। पति के बिना पत्नी का कोई सुख नहीं रहता। भगवान ने कहा, तुम्हारे पति संसार में नहीं, यदि तुम मर भी गई तो क्या अंतर पड़ता है। तब उस समय देवी उत्तरा कहती है कि हे कृष्ण, कृष्ण मैं भले मर जाऊं, मुझे मरने का कोई गम नहीं है, मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है। मैं भले मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है वो बालक नहीं मरना चाहिए। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए, आप मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ में रहे हुए बालक की रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। भक्तों, आर्यवर्ष की यह नारी, यह आदर्श नारी, एक मां भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु, प्रभु मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। विचार कीजिए, कहां ये उतरा और कहां आज की कलयुग की नारी है। उतरा अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए स्वयं मरने के लिए तैयार है, और आज की नारी स्वयं जीने के लिए अपने गर्भ का पात कराती है, एबोर्शन कराती है। भक्तों, ये गर्भपात करना बहुत बड़ा पाप है, शास्त्र में लिखा है। भगवान कपिल देव भागवत के तृतीय स्कंद में बृहद रूप से इसका वर्णन करते हैं। जिस दिन से गर्भाधान होता है, स्त्री और पुरुष का संगम होता है, उसी दिन से आत्मा उस माता के गर्भ में आ जाती है। एक चने के दाने के समान वह शिशु प्रकट हो जाता है और फिर धीरे 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 वह बड़ा बनने लगता है, और तीसरे महीने में उनकी इंद्रियां प्रकट हो जाती हैं, उनके आंख कान नाक प्रकट वो बन जाते हैं। लेकिन आज के धन के लोभ में हैं, धन के लोभ में मदमस्त आज के डॉक्टर भी इस बात से अवगत नहीं कराते हैं। चंद रुपयों के लोभ में आज के डॉक्टर संसार के लोगों को कहते हैं कि 3 महीने तक यदि गर्भपात पर कराए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भक्तों, ये मात्र पैसे कमाने का बिजनेस देखा जाए तो ये बहुत बड़ा पाप है।
भागवत में इसे बहुत बड़ा पाप कहा गया है और मरने के बाद उस व्यक्ति को बहुत बड़ी सजा मिलती है। भक्तों, कई बार हमारे मन में एक बहुत बड़ा दुख होता है कि आज आप किसी व्यक्ति का खून कर दो, किसी को मार डालो तो फांसी की सजा होती है, लेकिन गर्भपात करो तो पैसे मिलते हैं। अरे किसी आदमी का खून करो तो उसे बचने का अवकाश भी है, वो कहीं दौड़ सकता है, भाग सकता है, लेकिन छोटा सा बालक जो माता के गर्भ में है वो बेचारा कहाँ भाग सकता है, कहाँ दौड़ सकता है। वो बहुत छटपटाता है, वो अपनी रक्षा चाहता है, लेकिन जन्म देने वाली जननी ही जब उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है तब उसे कौन बचा सकता है। अतः इन गर्भपात से बचना चाहिए। और भक्तों, आज जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्भपात की संख्या बढ़ रही है, और आज इस संसार में जितना भी दुख है, महामारी, मारामारी, इसका एक ही कारण है कि दुनिया के लोग इन पापों में व्यस्त हो चुके हैं। अतः इस भागवत के इन प्रसंग के द्वारा हमें इन पापों से बचना चाहिए। देवी उत्तरा भगवान से कहती हैं, मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। उत्तरा की प्रार्थना करने पर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान बाहर से भी उत्तरा की रक्षा किए और सूक्ष्म रूप धारण करके एक हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में गदा लेकर भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में चले गए। और उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान कृष्ण ने उस उत्तरा के बालक की रक्षा कर दी। जैसे ही कृष्ण ने उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, उसी समय इस दृश्य को देवी कुंती ने देखा और कुंती ने देखा कि कृष्ण की इतनी बड़ी कृपा, आज तक तो हम पर कृपा करते आए लेकिन अभी अभी उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते देखकर देवी कुंती के हृदय में ऐश्वर्य भाव उदित हुआ और देवी कुंती दौड़कर कृष्ण के पास आई और कृष्ण को स्तुति करने लगी, भगवान श्री कृष्ण को बहुत सुंदर प्रार्थना करने लगी। देवी कुंती के द्वारा जो स्तुति हुई यह अद्भुत स्तुति है। वैसे तो श्रीमद् भागवत में अनेकों लोगों के द्वारा स्तुति है, पितामह भीष्म के द्वारा स्तुति, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति, शिव जी के द्वारा स्तुति, काली नाग की पत्नी के द्वारा स्तुति, वित्रासुर के द्वारा स्तुति, लेकिन सभी स्तुतियों में श्रेष्ठ देवी कुंती की स्तुति है और इसलिए श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत में इसका प्रथम स्थान रखा है। भक्तों, इस स्तुति की विशेषता यह है, इस स्तुति में तत्व ज्ञान भी है और बहुत सुंदर भाव छिपा हुआ है और बहुत सुंदर ये स्तुति है। तो भक्तों, आने वाले कल से हम माता कुंती की यह स्तुति यहां पर प्रारंभ करेंगे। इनके प्रत्येक श्लोक दिव्य है। देवी कुंती के इन स्तुतियों को हम यहां पर आपको सुनाएंगे और उनकी व्याख्या करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और महारानी कुंती के द्वारा हुई स्तुति का श्रवण करके हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। भक्तों, इसका श्रुति फल का वर्णन तो अंत में हुआ है, लेकिन देवी कुंती की स्तुति श्रवण करने का फल क्या है यदि मैं आपको पहले बता दूं तो भक्तों, भगवान कृष्ण रथ के ऊपर सवार हो चुके थे, द्वारिका जाने के लिए तैयार थे, लेकिन माता कुंती ने जब यह स्तुति की तो माता कुंती की स्तुति को सुनकर भगवान कृष्ण द्वारिका नहीं गए, रथ से उतर गए और कहा कि अब मैं हस्तिनापुर में ही रुक जाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई महारानी कुंती की स्तुति का श्रवण करता है तो भगवान कृष्ण हमारे हृदय में या हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, इस भागवत कथा के 5 दिन शेष बचे हैं, कल से यह स्तुति प्रारंभ होगी।
आप सभी भक्त आइए, स्तुति को सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण।